सो जस्ट गाइज, आज नॉर्मल सैटरडे मॉर्निंग है. मैं युवान को लेकर थोड़ा सा पार्किंग में आई हूँ. उसके डैडी कार क्लीनिंग कर रहे थे, तो हम लोग बस बाहर थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं. और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है. मुझे स्पेशली वेदर बहुत अच्छा लगता है. और नाइट में आई थिंक रेन हुई थी, तो अभी काफ़ी देखो आप लोग, अभी भी कुछ कुछ गीला है. और बस और आज हम लोग कार क्लीनिंग इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज़ जो युवान की पुरानी कार सीट थी वो उससे ऑलरेडी आउटग्रो हो चुका है. सो हम लोग ने उसकी एक न्यू कार सीट ऑर्डर की थी, तो आज हमने उसको अनबॉक्स करके इंस्टॉल करने का प्लान किया है. सो बस हम लोग थोड़ा सा कार क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी कार सीट को अनबॉक्स करेंगे एंड देन हम लोग इंस्टॉल करेंगे. अभी एक्चुअली जो हमारे पास पहले कार सीट थी वो ब्रिटेक्स की थी, और वो पूरा एक ट्रैवल सिस्टम मैंने बाय किया था. एंड अभी युवान ऑलमोस्ट 17 मंथ का हो गया है, तो अभी वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है. सो हम लोग ने किकू ब्रांड की कन्वर्टेबल कार सीट उसके लिए ऑर्डर की है, जो कि आज हम लोग उसको कार में इंस्टॉल करेंगे. एंड मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और थोड़े दिन बाद यूज़ करके मैं उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी. सो यस, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ आज का दिन हमारा कैसा है. थैंक यू. सो गाइस, ट्रंक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है. सो अभी हम लोग थोड़ा सा ये क्लीनिंग कर रहे हैं बिकॉज अभी सर्विसिंग के लिए भी कार नहीं ले जा पा रही, और सी कुछ इमरजेंसी सप्लाइज जो कि हम हमेशा ही कार में बहुत टाइम से रखते हैं. और बाकी ये सारे चीज़ें तो गाइज, बस ये थोड़े से न्यूज़पेपर और कुछ ओल्ड पेपर्स वगैरह इसमें पड़े हुए थे, बहुत सारे शॉपिंग बिल्स एंड ऑल दैट, मोस्टली ये सब ही कूड़ा इसमें पड़ा हुआ था. सो सिंपली मैंने उसे रिमूव किया है एंड ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा पीछे क्लीन किया है, एंड बाकी का जो भी इसमें स्टफ था उसे अरेंज कर दिया, सो दैट कि स्ट्रॉलर एंड ऑल रखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिले ट्रंक में. एंड दैट्स इट, अब थोड़ा सा क्लीन लग रहा है. सिमिलरली हम ब्रश एंड ऑल की हेल्प से आगे भी क्लीन करेंगे, एंड स्पेशली जहाँ पे वायु की हमने कार सीट अटैच कर रखी थी वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है एज़ यू कैन सी, क्योंकि कभी कभी ये बिस्किट्स एंड ऑल दैट इसने यहाँ पे गिराए हैं. एंड आज हमने वो कार सीट रिमूव करी है, तो इतना सारा यहाँ से डस्ट निकला. एंड अभी मैं किचन में आ गई हूँ सब कुछ करने के बाद, एंड मैं कर रही हूँ थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन. सिंपली आज सैटरडे है तो राजमा राइस एंड रोटी बना रहे हैं. और बस आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैंने राजमा ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है राजमा. एंड बस इसका थोड़ा सा मसाला बनाएंगे एंड देन. सो गाइस, मैं अदरक लहसुन एंड अदरक लहसुन एंड मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट बनाने जा रही हूँ. एक अनियन, मीडियम साइज का एक अनियन का पेस्ट, इसकी प्यूरी बेसिकली है ये. और अब इसको अच्छे से भूनेंगे, और उसके बाद मैं ऐड करूंगी 2 टमाटो प्यूरी. सो गाइस, जस्ट टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, देन हम लोग ऐड करेंगे बॉइल्ड राजमा, और हमारे राजमा बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे एक विसल के बाद. एंड ये रही हमारी सैटरडे की सैटरडे स्पेशल लंच, राजमा चावल एंड रोटी. एंड बस अब लंच करने के बाद इवनिंग टाइम में युवान, मैंने वैक्यूम करना स्टार्ट किया, तो ही वॉन्ट्स टू वैक्यूम, ही डोंट वॉन्ट मी टू होल्ड हिम, एंड वो इंडिविजुअली वैक्यूम करना चाहता है एंड ही इज़ डूइंग वैक्यूम. एंड लास्ट नाइट बारिश हुई थी गाइज, एंड पैटियो की हालत वापस से बहुत ख़राब हो गई है, एंड आई हैव टू स्पेंड अनदर 1 डे टू क्लीन पैटियो अगेन.
सो गाइज ये कार सीट मैंने ऑर्डर की थी एज आई टोल्ड यू, तो अभी बस हम लोग इसे अनबॉक्स करने जा रहे हैं एंड मैं आपके साथ भी इसकी अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस कीको नेट फिट जिप मैक्स कन्वर्टेबल कार सीट, एंड हमने ये कार सीट अमेज़ॉन से ऑर्डर की है एंड अभी हम लोग इसको कुछ दिन यूज़ करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम ओनली गोइंग टू अनबॉक्स दिस और हम लोग इसे अपनी कार में इंस्टॉल करेंगे, दैट्स इट। एंड गाइज़ ये कार सीट हमने काफ़ी सारे यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करने के बाद ली है एंड हमने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, उसके बाद वी डिसाइडेड टू बाय दिस वन। एंड लुक्स वाइज और फैब्रिक वाइज इट सीम्स रियली नाइस, बट एक्चुअल रिजल्ट तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। एटलीस्ट 15-20 days हम इसे पहले यूज़ करेंगे एंड देन ओनली आई एम एबल टू शेयर एनी रिव्यू। बट ओवरऑल इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इट्स 5-star रिव्यू कार सीट। और वायु हमेशा ही अपने हर एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, कोई भी न्यू टॉयज या कुछ भी आएगा ही इज़ रियली एक्साइटेड। एंड ऑल्सो इस कार सीट का एक अच्छा फीचर ये भी है कि इसमें जो ये पीछे मटेरियल लगा है ये ब्रीदेबल है मटेरियल, तो अगर गर्मियों में सी गाइस व्हाट ही इज डूइंग, वायु व्हाट आर यू डूइंग, सो गाइस सो या व्हाट आई एम टॉकिंग कि ये वाला मटेरियल बहुत ही ब्रीदेबल है, अगर गर्मियों में बच्चे को स्वेटिंग होती है और किसी लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हैं लॉन्ग रूट पे, तो एज़ पर रिव्यू ये बहुत कंफर्टेबल है, स्वेटिंग नहीं ईजिली होगी बच्चे को और गर्मी बेसिकली नहीं लगेगी। सो दैट्स वाई वी डिसाइड टू बाई दिस कार सीट एंड अभी हम थोड़ा यूज़ करेंगे देन पता चलेगा। एंड इसकी असेंबली भी आई थिंक काफ़ी इजी है। नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल दिस कार सीट इन आर कार। सो गाइज ये वाली कार सीट आप डे वन से अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें ये इन्फेंट इंसर्टर भी अटैच है, बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस इंसर्टर। बट अभी आपका बच्चा अगर न्यूबॉर्न बेबी भी इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं इस कार सीट को। तो गाइज एज यू कैन सी फॉर रेयर फेसिंग 4 lb to 50 lb एंड फॉर फॉरवर्ड फेसिंग इट सेज 22 to 65 lb। तक का बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। ऑल्सो इसमें 9 positions हैं, ऑल्सो हेड रेस्ट है, 2 sippy cup होल्डर्स हैं एंड फुट रेस्ट के लिए भी एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लेग रेस्ट है इसमें एज यू कैन सी। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस कार सीट इन आवर कार। सो हम लोग इसे राइट साइड में इंस्टॉल करेंगे और यस एज हमने ऑलरेडी इसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, इसे इंस्टॉल करना इतना हार्ड नहीं है, 5 to 10 minutes मैक्सिमम लगने हैं इसको इंस्टॉल करने में। एंड दीज आर डिफरेंट लेवल्स, 9 level, अभी हम वायु के लिए 8 या 9 level पे इसको सेट करेंगे। बेसिकली ये पोजीशंस हैं कि किस पोजीशन में आप अपने बच्चे को रखना चाहते हैं एंड इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग के लिए 7, 8, 9 पोजीशन रिकमेंडेड हैं एंड बाकी की पोजीशंस बैक आई मीन रेयर फेसिंग के लिए हैं। एंड या एज यू कैन सी एंड देयर इज़ अ ग्रीन सिग्नल, ये सिग्नल में एक बबल है वो ये इंडिकेट करता है कि पोजीशन जो आपने सेट की है वो राइट प्लेस पे है या नहीं। इट मींस बेसिकली इट इंडिकेट्स कि आपने सही से
उसको सेट किया है नहीं, एंड देयर इज़ टू सिपी कप, एक लेफ्ट में एक राइट में, एंड ये रिमूवेबल एंड आप इन्हें इजीली वॉश कर सकते हैं, तो ये बात एक अच्छी है। एंड अनदर थिंग कि इसका जो कार सीट का कवर है, ये जिप कवर है, आप इसे इजीली रिमूव करके आप कभी भी मशीन वॉश कर सकते हैं। गाइस अभी मैं रेडी होकर हमारे एक फ्रेंड के घर हम लोग मिलने जा रहे हैं। सो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ उस टॉपिक पर। थैंक यू, बाय बाय। सो गाइस वायु इज़ यूजिंग हिज कार सीट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? द कन्वर्टिबल कार सीट। यस वायु, यू लाइक इट? यस, फॉरवर्ड फेसिंग, फर्स्ट टाइम।